पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अभी तक आपने महिलाओं को अपने घरों की साज सज्जा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज रंगों के साथ खेलती ये महिलाएं कुछ अलग कर दिखाने के लिए मेहनत करने में लगी हैं। कहते हैं कि भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें परिभाषित किया जाए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मनुष्य जहां अपने शब्दों में अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ आसानी से साझा कर लेता है, लेकिन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। इन्हीं भावनाओं को समझते हुए मुरादाबाद की रश्मि दुग्गल ने अपनी साथियों के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करने के लिए एक अनूठी पहल की है। रश्मि दुग्गल ने स्ट्रीट डॉग्स को सर्दी से बचाने के लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी करीब आती है, स्ट्रीट डॉग्स का सड़कों पर ठिठुरता हुआ घूमना आम हो जाता है। उनकी भावनाओं को समझते हुए लोग उन्हें बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ठिठुरता हुआ देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इस बार सर्दी में स्ट्रीट डॉग्स को रश्मि दुग्गल कपकपाते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए रश्मि दुग्गल ने अपने इनरव्हील क्लब एसेंस क्लब की सदस्यों के साथ मिलकर सेवा का बीड़ा उठाया है। महिलाओं की टोली ने सड़क पर घूमने वाले डॉग्स के लिए अपने हाथों से उनके आशियाने तैयार किए हैं। आशियाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि रंगों से प्रेम भरे शब्दों को लिखकर उन्हें आकर्षित बनाया जा रहा है। रश्मि बताती है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पुराने टायरों से घर बनाने की कोशिश की है। रश्मि दुग्गल ने बताया कि पुराने टायर्स को कलर करके उनमें बोरियों के कुशन बिछाए गए हैं, जो कि बुटीक में बची कतरनों से भरे गए। देख रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं और गली में बहुत सारे कईयों के घरों के पास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और उनके लिए शायद कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, कुछ लोग हैं जो घर के डॉग्स के बारे में सोचते हैं। तो कुछ ये सोच आई कि इस बार इस सर्दियों में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए कुछ करा जाए, तो हमने मार्केट से जो बेकार टायर्स होते हैं उनको खरीदा और उसके बाद उनको कलर करा। और हमने एक क्लब के मेंबर्स ने मीटिंग रखी है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाया है, और वहाँ पर बेड को की सिटिंग के लिए हमने क्या करा है, बोरियाँ ली हैं और जो बुटीक में वेस्ट मटेरियल होता है, कतरने जिसको बोलते हैं, वो इकट्ठी करी हैं और उसका हमने बेड सिल के तैयार करा है ताकि उनको सर्दियों में आराम मिले। इस रैन बसेरा कार्यक्रम का आयोजन लेडीज क्लब में किया गया। इस दौरान पूजा अग्रवाल, मेघा गुप्ता, मोना गुप्ता, रिचा जूबी, वंदना कपूर, तुलिका, मीनल, विभा, श्वेता कपूर, डिम्पी, अंशु, कमलप्रीत, रुचि, किशोर, गीतिका, शिल्पा, राधा, रुचि रावल, महक आदि उपस्थित रहीं। इस दौरान सदस्यों का कहना है कि सभी महिलाएं अपने घरों की साज सज्जा बखूबी करती हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए ऐसी सेवा करना उनके लिए अहम हो जाता है, इसीलिए आज उन्होंने अपनी भावनाओं को इस साज सज्जा के माध्यम से प्रकट किया है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ठंडे आ रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, दिन में हम डॉग्स को यूजुअली हमने सड़क पर देखा है कि उनको खाना डाल देते हैं, उनके लिए बिस्किट ले आते हैं, दूध दे देते हैं, लेकिन शाम को वो सब जाते कहाँ हैं? अगर आप देखेंगे तो कोनों में वो इकट्ठे होके लेटे होते हैं या कूड़े के ऊपर बैठे होते हैं। तो अब जैसे ठंड आ रही है, उस परेशानी को या उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए हमने इस बारी पुरानी चीज़ों को कैसे यूज़ करें जो उनके लिए भी कुछ अच्छा हो पाए और कुछ शहर का भी ब्यूटिफिकेशन हो पाए, इस चीज़ को सोचते हुए हमने शहर से पुराने टायर खरीदे हैं, उनको हमने पेंट किया है। आज हमारे सब मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं इसको पेंट करने के लिए, इनको सुंदर बनाया है। इसके अंदर हम पुरानी दरियों के अंदर हमने कतरन जो होते हैं, जो हमें टेलर से और बुटीक से मिलती है, उन सबको भर के उनके हमने दरियाँ बनानी है। अब हम इन टायर्स के अंदर वो दरियाँ रखेंगे और उसे शहर में अलग अलग जगह पे रखेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको ठंडों में बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, और दूसरा शहर में इतने रंगीन बनाए हैं हमने जान के, तो उससे हमारा शहर भी सुंदर दिखेगा। ये हमारी ये शुरुआत है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा चलते चलते आगे चलते हुए अगर इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम और टायर्स कलर करेंगे,
सब मेंबर्स इसमें बहुत एंथुसियास्टिक हैं, वो लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं इस काम के लिए, और हम मिलके ऐसे प्रयास अपने फ्यूचर में भी करें, भविष्य में। नमस्ते। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।